हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप 3 एंड टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हाइपरसेंसिटिविटी क्या होती है। हमने टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी बताए थे कि 4 टाइप्स की होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4, जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम टाइप 3 और टाइप 4 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर डिटेल डिस्कशन, हम थोड़ा एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हाइपरसेंसिटिविटी क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई फॉरेन एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और आपका इम्यून सिस्टम इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करता है इस फॉरेन एंटीजन के खिलाफ, ताकि इस फॉरेन एंटीजन को क्या किया जा सके, न्यूट्रलाइज किया जा सके। लेकिन अगर आपका इम्यून जो सिस्टम है वो एक्सजरेट हो जाए, वो हाइपरसेंसिटाइज हो जाए और वो इस इम्यून रेस्पॉन्स को एक लिमिट से ज्यादा प्रोड्यूस करने लगे, जनरेट करने लगे, तो क्या होगा? जब ये इम्यून रेस्पॉन्स एक्सजरेटेड हो जाएगा, जब ये ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा, तो ये इस फॉरेन एंटीजन को न्यूट्रलाइज करेगा ही, साथ ही साथ हमारे ये बॉडी के टिश्यू को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। और जब हमारी बॉडी के टिश्यू डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे तो इसी को हम बोलेंगे हाइपरसेंसिटिविटी, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपरसेंसिटाइज हो चुका है। तो क्लियर कट समझ में आया हाइपरसेंसिटिविटी क्या होती है? जब आपका इम्यून सिस्टम क्या करे, एक्सजरेटेड इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करने लगे और उस एक्सजरेटेड इम्यून रेस्पॉन्स से आपकी बॉडी के टिश्यू डैमेज होने लग जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरसेंसिटिविटी बोलते हैं। जब मैंने आपका इसका क्लासिफिकेशन समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि जब आप जेल एंड कुम का क्लासिफिकेशन फॉलो करेंगे तो हाइपरसेंसिटिविटी 4 टाइप्स की होती है। ये जो 4 टाइप्स हमने डिवाइड किए हैं, ये इस बेसिस पे हमने डिवाइड किए हैं कि ये जो हमारा बॉडी का टिश्यू डैमेज हो रहा है ना, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी का टिश्यू डैमेज हो रहा है, इस टिश्यू को डैमेज करने वाले एजेंट कौन है, इस टिश्यू को बेसिकली डैमेज कौन करता है। तो हमने जब 4 टाइप्स बताए थे तो हमने आपको बताया था कि हाइपरसेंसिटिविटी 4 टाइप्स की होगी, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। इन चारों में डैमेज करने वाले एजेंट कौन होंगे, इसी बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। एग्जांपल के तौर पे, अगर डैमेज करने वाले एजेंट टी हेल्पर 2 सेल्स हैं और आईजीई एंटीबॉडी हैं, तो इसको हम टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन बोलेंगे। अगर डैमेज करने वाले जो एजेंट है वो आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी है, तो इसको हम बोलेंगे टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। उसी तरीके से अगर डैमेज करने वाले एजेंट आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी तो है, लेकिन वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं, वो किसके साथ मिलकर, एंटीजन के साथ मिलकर एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाती है, और वो जो कॉम्प्लेक्स है, जिसको हम इम्यून कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, वो कॉम्प्लेक्स हमारे टिश्यू को डैमेज कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। तो दोनों में डिफरेंस है, यहां आईजीजी आईजीएम एंटीबॉडी टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन शो करती है, बट इन द केस ऑफ टाइप 3 आईजीजी आईजीएम एंटीबॉडी एंटीजन के साथ मिलकर इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाती है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाती है, वो कॉम्प्लेक्स जो होता है वो टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन शो करता है। बात करें टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन की, तो टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन जो होती है वो टी हेल्पर 1 सेल, टी हेल्पर 17 सेल्स एंड टी क्लस सेल के द्वारा शो की जाती है। तो आपने देखा कि हर हाइपरसेंसिटिविटी के केस में जो पॉजिटिव एजेंट है, जो टिश्यू को डैमेज करने वाले एजेंट है, वो डिफरेंट डिफरेंट है, उन्हीं के बेसिस पे इनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। टाइप 1 और टाइप 3 को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आज हम टाइप 3 और टाइप 4 को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। इसको हम इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड रिएक्शन भी बोलते हैं। इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड रिएक्शन क्यों बोलते हैं, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही, कि टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या होता है कि आपकी जो आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी होती है, ये एंटीजन के साथ मिलकर एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाती है। ये कॉम्प्लेक्स जो होता है ये हमारे टिश्यूज में जाकर डिपॉजिट हो जाता है और वहां पे इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, वहां इंजरी कॉज करता है, ठीक है, जिसकी वजह से टिश्यू के अंदर डैमेज देखने को मिलता है। तो यहां एंटीजन एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स है, जिसको इम्यून कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, वो हाइपरसेंसिटिविटी कॉज करता है, इसलिए इसको इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स बना कैसे होगा, ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो हो रही है, जिससे एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इम्यून कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कैसे बना होगा? तो जाहिर सी बात है कि कोई एक्सपोजर हुआ होगा किसी एंटीजन का, किसी एंटीजन का एक्सपोजर हुआ होगा, और उस एंटीजन के खिलाफ क्या बनी होंगी हमारी बॉडी में, एंटीबॉडी बनी होंगी, और तब जाके ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना होगा। ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होता है, ये डिपॉजिट हो जाता है हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल्स के अंदर, हमारी बॉडी के जॉइंट्स के अंदर, हमारी किडनी या स्किन के अंडर, और वहां जाके जब ये डिपॉजिट होता है तो वहां ये क्या करता है, हमारा जो आपको पता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो होती है वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारी प्रोटीन का एक सिस्टम होता है, ठीक है। जब ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो ये क्या करने लगता है, हमारी बॉडी के टिश्यू के अंदर इंजरी कॉज करने लगता है, जहां भी इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन होता है। जब इंजरी होगी तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आपने क्या देखा कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बना वो डिपॉजिट हुआ हमारी बॉडी ऑर्गन्स के अंदर, उसने वहां पे क्या किया, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करके टिश्यू इंजरी करी, और जिसकी वजह से हमें वहां पे इन्फ्लेमेशन देखने को मिला। इतनी बात समझ आ गई आपको। यहां जो हमको डिटेल में बात डिस्कस करनी है वो ये है, ये जो एंटीजन है ये फॉरेन एंटीजन भी हो सकता है और सेल्फ एंटीजन भी हो सकता है। फिर वही बात आ जाती है कि सर फॉरेन एंटीजन है तो समझ में आती है बात, तो हम इसको हाइपरसेंसिटिविटी बोलते हैं। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम हमारे सेल्फ एंटीजन के खिलाफ वर्क करता है तब तो हम इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलना चाहिए था, तो हम इसको हाइपरसेंसिटिविटी क्यों बोल रहे हैं,
वाई वी आर सेइंग टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी, हमें इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलना चाहिए था। तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ सेल्फ एंटीजन होने के बाद भी हम इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन शो करी जा रही है, जो इम्यून रेस्पॉन्स शो हो रहा है, वो सिर्फ एंटीजन और एंटीबॉडी के द्वारा जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसके द्वारा शो किया जा रहा है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तब बोलते हैं जब उसमें टी सेल्स और एंटीबॉडी दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो। यहां पे आप देख रहे हैं आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी का यूज हो रहा है, यहां पे टी सेल्स का यूज नहीं हो रहा है टाइप 3 में। टी सेल्स और एंटीबॉडी दोनों इन्वॉल्व होते हैं तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहेंगे, क्योंकि यहां पर सिर्फ एंटीजन सिर्फ एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट है, सिर्फ आईजीजी आईजीएम एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए हाइपरसेंसिटिविटी है, नॉट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। एक बात क्लियर होगी। दूसरा सर ठीक है, ये जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करके जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बन रहा था ये तो टाइप 2 में भी बन रहा था और टाइप 3 में भी बन रहा है, तो सर टाइप 2 और टाइप 3 में क्या डिफरेंस रहेगा? वहां भी आईजीजी आईजीएम एंटीबॉडी थी, वो भी एंटीजन से रिएक्ट करती थी, यहां भी आईजीएम आईजी एंटीबॉडी है, यहां भी इम्यून कॉम्प्लेक्स बन रहा है। देखो मैंने आपको बताया था कि टाइप 2 जो हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन थी उसमें जो एंटीजन था वो कैसा था, मोबाइल था, फ्री फ्लोटिंग, सॉरी वहां पे जो एंटीजन था टी हेल्पर 2 सॉरी टाइप 2 में, टाइप 2 में जो एंटीजन था वो कैसा था, फिक्स नेचर का था, कैसा था, फिक्स नेचर का था, इमोबाइल था, एंटीबॉडी उसके पास जाती थी जाके बाइंड करती थी। लेकिन यहां पे टाइप 3 के केस में जो आपका एंटीजन है, जो आपका एंटीजन है वो कैसा है, फ्री फ्लोटिंग है, मोबाइल है और सॉल्यूबल है। बात समझ में आ गई, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि ये टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन क्यों है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों नहीं है। ये भी समझ में आ गया टाइप 2 और टाइप 3 में डिफरेंस क्या है, टाइप 2 में एंटीजन जो था वो फिक्स था, टाइप 3 में जो आपका एंटीजन वो कैसा है, फ्री फ्लोटिंग है, सॉल्यूबल है या मोबाइल है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो एंटीजन हमने आपको बताया कि एक्सोजीनस कोई फॉरेन प्रोटीन हो सकती है, फॉरेन मटेरियल हो सकता है, लाइक डिप्थीरियल एंटीटॉक्सिन, लाइक हॉर्स एंटी थ्रोम्बोसाइट ग्लोबुलिन। सेल्फ एंटीजन भी हो सकता है लाइक न्यूक्लियो प्रोटीन्स। मैंने आपको बताया था कि जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होता है, बताया था ना यहाँ पे, ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगा तो जो एंटीबॉडी इसमें वर्क करती है वो कौन कौन सी है, आईजीजी आईजीएम एंड आईजीए, बताया था ना अभी, आईजी आईजीएम एंटीबॉडी एंटीजन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाती है और वो कॉम्प्लेक्स जो होता है वो इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने वाली जो मेन एंटीबॉडी है वो कौन है, आईजीजी आईजीएम और आईजीए। अगर हम टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन की बात करें तो यूजुअली सिस्टमैटिक होती है, सिस्टमिक होती है, यानी कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स में इसको जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है वो जाके लोकेट होता है। तो बेसिकली जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है वो जाके जो डिपॉजिट होगा वो कहाँ जाके डिपॉजिट होगा, किडनी में जाके डिपॉजिट होगा तो कॉज करेगा वहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जॉइंट में जाके डिपॉजिट हो सकता है तो वहाँ पे आपको अर्थराइटिस कॉज करेगा, और ये स्मॉल ब्लड वेसल्स में जाके भी डिपॉजिट हो सकता है तो वहाँ पे आपको ये वैस्कुलाइटिस कॉज कर सकता है। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म की कि टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। तो बेसिकली ये तीन फेज में होती है। सबसे पहले क्या होगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। मैंने आपको बताया था कि टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में जो एंटीजन होता है वो मोबाइल होता है और एंटीबॉडी तो हमेशा मोबाइल होती है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर आप यहां देख रहे हैं तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, एंटीजन है, फ्रीली मूविंग कर रहे हैं, इस एंटीजन के खिलाफ करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी बनी वो भी फ्रीली मूविंग है। जो फ्रीली मूविंग जो होते हैं ये आपस में मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या था, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन। अब ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन तो गए, अभी कहेंगे कि चलो कहीं जाके बैठ जाते हैं, कहीं जाके बैठ के बातें करते हैं, तो इनका क्या होगा, डिपोजिशन होगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन होगा। और ये डिपोजिट कहां होते हैं, बेसिकली ये डिपोजिट होते हैं किडनी में, जॉइंट्स में, ब्लड वेसल्स में, स्किन में या फिर सिरोसा में। तो ये क्या करते हैं, जाके अपने प्रेफरेंस साइट पे जाके क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, डिपोजिशन हो गया इनका। अब थर्ड स्टेट क्या, स्टेट क्या होती है, तो वह कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन एंड टिश्यू डैमेज। तो ये जब जहां डिपॉजिट होते हैं वहां पे क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, और जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की जो प्रोटीन्स होती है वो क्या रिलीज करती है, कुछ कीमोटैक्टिक एजेंट्स रिलीज करती है। वो कीमोटैक्टिक एजेंट्स क्या करते हैं, अपनी तरफ WBCs का क्या कराते हैं, इन्फिल्ट्रेशन कराते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम था, ये एक्टिवेट हुआ, इसने कुछ कीमोटैक्टिक एजेंट्स रिलीज करे, उन कीमोटैक्टिक एजेंट्स को ढूंढते हुए जो आपकी WBCs हैं वो इसकी तरफ आने लगती हैं, वो इधर की तरफ आने लगती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, WBC का इन्फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के एक्टिवेशन से क्या होता है, WBC का, ये देख रहे हो आप न्यूट्रोफिल्स आ गए हैं यहाँ पे, तो WBCs का क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा। और WBCs जब का इन्फिल्ट्रेशन होता है तो इन WBCs को क्या कर दिया जाता है, C3A प्रोटीन होती है। ठीक है, ये क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती है, ये क्या करती है, हमारी WBCs को एक्टिवेट कर देती है। और जब वो एक्टिवेट हो जाती है तो वो फिर रिलीज करती है लाइसोसोमल एंजाइम। क्या रिलीज करती है, लाइसोसोमल एंजाइम। ये लाइसोसोमल एंजाइम क्या करेंगे, उस जगह पे टिश्यू को डैमेज करेंगे, और जब वहां पे टिश्यू डैमेज होगा तो टिश्यू इंजरी होगी, और इंजरी होगी तो फिर वहां पे आपको इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेप हो गया, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन एंड टिश्यू डैमेज। इस पूरे प्रोसेस को होने में लग जाते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 to 14 डेज।
इतनी बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के बारे में, टाइप थ्री हाइपरसेंसिटिविटी के एग्जाम्पल्स के बारे में। तो हम यहाँ डिसीज के बारे में बात करेंगे, उस डिसीज में कौन सा एंटीजन इन्वॉल्व होगा जिसके खिलाफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसकी क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होंगी। उसका एक एग्जाम्पल है सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस, इसमें जो एंटीजन होता है वो न्यूक्लियर एंटीजन होता है और इसमें जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलती है वो होती है नेफ्राइटिस, स्किन लेजन एंड आर्थराइटिस। एक सीरम सिकनेस है जिसमें आप कोई भी फॉरेन सीरम प्रोटीन जो होती है वो आपकी बॉडी के अंदर जब एडमिनिस्टर होती है तभी आपको देखने को मिल सकता है, लाइक एंटी टिटनेस या एंटी रेबीज का सीरम आपकी बॉडी के अंदर एक एक्स्ट्रा अमाउंट में डाल दिया जाए तो उससे सीरम सिकनेस आपको देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिलेंगी आर्थराइटिस, वेस्कुलाइटिस एंड नेफ्राइटिस। एक सिक टेस्ट होता है जिसमें डिप्थीरिया का जो टॉक्सिन होता है वो इंट्राडर्मली इंजेक्ट किया जाता है आपकी बॉडी के अंदर, बट उसका अमाउंट अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो आपके अंदर क्या कॉज कर सकता है, नेक्रोसिस एंड इडिमा। एनदर इज हिनोसोक्लिन पर्प्यूरा। इन दिस डिसीज क्या होता है, जो स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन होता है या रेस्पिरेटरी वायरस जो होते हैं वो एज एंटीजन बिहेव करते हैं, उनके खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप होती है और इसकी वजह से जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है दैट इज आईजीएम वैस्कुलाइटिस इन चिल्ड्रन। अदर डिसीजेस आर आर्थ्रोस रिएक्शन, इसके केस में जो एंटीजन होते हैं वो वेरियस फॉरेन प्रोटीन्स होती हैं और जो डिसीज कॉज होती है वो है क्यूटेनियस वैस्कुलाइटिस। रिएक्टिव आर्थराइटिस, यहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है वो होता है बैक्टीरियल एंटीजन, सॉरी यहाँ पे जो एंटीजन होता है वो होता है बैक्टीरियल एंटीजन, एग्जाम्पल यर्सीनिया एंड बैक्टीरिया। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है एक्यूट आर्थराइटिस। नेक्स्ट इज पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें कोको कोला कलर यूरिन दिखता है, इसमें जो करस्पॉन्डिंग एंटीजन होता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन, इट इज प्लांटेड इन द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगी दैट इज नेफ्राइटिस। नेक्स्ट इज पॉली आर्थराइटिस नोड्यूशा एंड इट इज कॉज बाई अगेंस्ट एंटीजन हेपेटाइटिस बी वायरस एंटीजन, एंड करस्पॉन्डिंग जो आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगी दैट इज सिस्टमिक वैस्कुलाइटिस। So these were the example of type 3 hypersensitivity reaction. Now moving forward for the type 4 hypersensitivity reaction. So type 4 hypersensitivity reaction में मैंने आपको क्या बताया था कि type 4 hypersensitivity reaction में जो टिश्यू को डैमेज करने वाले एजेंट होते हैं वो होते हैं टी हेल्पर 1, टी हेल्पर 17 एंड टी क्लियर। क्या आपको यहाँ कहीं भी एंटीबॉडी देखने को मिल रही है? नहीं। तो ये इकलौता ऐसा hypersensitivity reaction है जहां पर सिर्फ और सिर्फ सेल्स मीडिएट कर रही है, इससे ऊपर हर जगह आपको एंटीबॉडी देखने को मिली थी। टाइप 3 में IgG और IgM मिली थी, टाइप 2 में भी आपको IgG IgM मिली थी और टाइप 1 में आपको क्या मिली थी, IgE मिली थी। एंड टाइप 4 एक इकलौता ऐसा हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ सेल मीडिएटेड है, यहाँ किसी भी एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन जो होती है इट इज ओनली सेल मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, इसमें कोई भी एंटीबॉडी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। सेल्स भी कौन सी होती है, CD4 यानी कि टी हेल्पर सेल, CD8 यानी कि टी किलर सेल। टी हेल्पर और टी किलर सेल जो होती है वो इस टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन को क्या करती है, मीडिएट करती है। अच्छा, ये सेल्स ऐसा क्या कर देती है कि हाइपरसेंसिटिविटी हो जाती है, तो ये जो आपकी टी हेल्पर और टी किलर सेल्स हैं ये बेसिकली रिलीज करती हैं साइटोकाइंस इन द रेस्पॉन्स ऑफ फॉरेन एंटीजन और सेल्फ एंटीजन। ये जो साइटोकाइंस होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के जो टिश्यू होते हैं उनके अंदर इंजरी कॉज करते हैं और जब इंजरी कॉज होगी तो वहां पर इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिलेगा और यही क्या रहेगा, आपका टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होगा। टी हेल्पर और टी किलर सेल जब हाइपर एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्सेलरेटेड हो जाएंगे, तो वो ज्यादा अमाउंट में साइटोकाइन रिलीज होंगे और वो साइटोकाइन क्या करेगा, टिश्यू इंजरी कॉज करेगा और वहां पे इन्फ्लेमेशन कराएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अगेन वही बात कि सर फॉरेन एंटीजन है तो समझ में आता है हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है, लेकिन सेल्फ एंटीजन है तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों नहीं है? तो मैंने आपको वही बात बताई थी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तब कहेंगे जब टी सेल और एंटीबॉडी दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो, बट आप यहां देख रहे हैं ना, यहां तो सिर्फ सेल सेल का इन्वॉल्वमेंट है, एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट तो है ही नहीं, इसलिए हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है, इसलिए इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कंसीडर नहीं करते हैं। आगे बात करते हैं टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में। तो टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन को हम डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसको बिगिनिंग होने में, स्टार्ट होने में, डेवलप होने में 48 टू 72 आवर्स लग जाते हैं आफ्टर द एंटीजन एक्सपोजर। ये जो मैकेनिज्म है टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन का, ये दो तरीके से है। एक तो ऐसा हो सकता है कि जो टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है वो टी हेल्पर सेल के द्वारा सोखी जा रही हो, या ऐसा हो सकता है कि जो टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है वो टी किलर सेल के द्वारा सोखी जा रही हो। दोनों के अलग अलग मैकेनिज्म है। टी हेल्पर सेल भी आपने बताया, जो टी हेल्पर सेल होती है वो तीन तरह की होती है, टी हेल्पर 1, टी हेल्पर 2 और टी हेल्पर 17। हमने आपको बताया कि टी हेल्पर 2 जो होती है ये तो टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी शो करती है। कौन सी? टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी शो करती है। तो बचा कौन सा? टी हेल्पर 1 और टी हेल्पर 17। तो टी हेल्पर 1 और टी हेल्पर 17 जो होती है वो शो करती है टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। बात समझ में आ गई। इसका मैकेनिज्म की बात करें तो कोई एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर करेगा, है ना, उसको आपकी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हैं वो क्या करेंगी, आइडेंटिफाई करेंगी। किसकी हेल्प से? इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास एक मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जिनको बोलते हैं MSC1। MSC1 की हेल्प से जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं वो इस एंटीजन को आइडेंटिफाई करेंगी और आइडेंटिफाई करके इसको किसके पास भेज देंगी, नेव टी सेल के पास। नेव टी सेल वो टी सेल्स हैं जिनका पहले कभी इस एंटीजन के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ है।
नेव टी सेल जो होंगी वो टी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की हेल्प से एंटीजन को पहचानेंगी और क्या करेंगी, रिलीज करेंगी इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन 2 क्या करेगा, इन नेव टी सेल्स में डिफरेंशिएशन कराएगा और इनको कन्वर्ट करेगा टी हेल्पर 1 सेल में और टी हेल्पर 17 सेल में। टी हेल्पर 1 सेल जो होंगी वो रिलीज करेंगी इंटरफेरॉन गामा और इंटरफेरॉन गामा क्या करेगा, मैक्रोफेज जो सेल्स होती हैं उनका इन्फिल्ट्रेशन कराएगा और उनका इन्फिल्ट्रेशन करा के जो भी आपका एंटीजन है, इसके आसपास क्या बना देगा, एक ग्रेनुलोमा बना देगा। क्या बना देगा, ग्रेनुलोमा बना देगा और एक ग्रेनुलोमेटस क्या करवाएगा, इन्फ्लेमेशन कराएगा और जब ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होगा तो उसमें आपके टिश्यू के अंदर भी इंजरी देखने को मिलेगी। वहीं अगर टी हेल्पर सेल्स जो होती हैं वो रिलीज करती हैं इंटरल्यूकिन 17 और इंटरल्यूकिन 17 जो होती हैं ये न्यूट्रोफिल्स का इन्फिल्ट्रेशन कराते हैं। दोनों में डिफरेंस है, टी हेल्पर 1 सेल्स जो होती हैं वो मैक्रोफेज का इन्फिल्ट्रेशन कराती हैं जबकि टी हेल्पर 17 जो सेल होती हैं वो इंटरल्यूकिन 17 का रिलीज करके न्यूट्रोफिल का इन्फिल्ट्रेशन कराती हैं और ये न्यूट्रोफिल्स क्या करती हैं आके वहां आके एक्टिवेट हो जाती हैं और क्या करती हैं, रिलीज करती हैं लाइसोसोमल एंजाइम्स और वहां पे इन्फ्लेमेशन शो करती हैं। तो मैंने आपको ये वाला मैकेनिज्म भी बता दिया बाय द टी हेल्पर 1 सेल, ये भी बता दिया बाय द टी हेल्पर 17 सेल। अब हम बात करते हैं दूसरी सेल की, ये तो हमने देखा था कि कैसे टी हेल्पर सेल कैसे टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन शो करती हैं। अब हम बात करते हैं टी किलर सेल के बारे में, कि टी किलर सेल जो होती हैं वो कैसे टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन शो करती हैं। तो अगेन वही कि एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर करेगा, उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पहचानेंगी विद द हेल्प ऑफ MSC1। उसके बाद इस एंटीजन को किसको दिखा दिया जाएगा, टी किलर सेल को। टी किलर सेल जब इस सेल को देखेंगी तो इस सेल को, उस सेल को किल कर देंगी जिसके पास ये एंटीजन है। वो सेल जिसके पास ये एंटीजन है उसको ये टी किलर सेल, नाम क्या है, किलर सेल, किलिंग का काम करेंगी। तो किलिंग करने का जो तरीका होता है, इनके पास दो पाथवे होते हैं, एपोप्टोसिस पाथवे जो हमने आपको सेल इंजरी वाले चैप्टर में पढ़ाया था। तो ये जो टी किलर सेल्स होती हैं ये इस एंटीजन इन्फेक्टेड सेल को, वो जो भी सेल जो एंटीजन से इन्फेक्टेड होती हैं उसको किल कर देती हैं। टी किलर सेल्स कैसे किल करती हैं, तो एक तो एपोप्टोसिस पाथवे होता है, ठीक है, दूसरा होता है परफोरिन ग्रेंजाइम पाथवे। परफोरिन ग्रेंजाइम पाथवे में क्या होता है कि जो भी सेल इस एंटीजन से इन्फेक्टेड होती है उसके बॉडी पे पोर्स क्रिएट कर दिए जाते हैं। क्या क्रिएट कर दिए जाते हैं, पोर्स क्रिएट किए जाते हैं बाय रिलीज परफोरिन, परफोरिन एंजाइम का रिलीज करके इस सेल के अंदर, इन्फेक्टेड सेल के अंदर पोर क्रिएट कर दिए जाते हैं। फिर उन पोर के अंदर कौन सा एंजाइम भेजा जाता है, ग्रेंजाइम एंजाइम भेजा जाता है। कौन सा, ग्रेंजाइम एंजाइम भेजा जाता है। ये ग्रेंजाइम एंजाइम जाके उस सेल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इस तरीके से उस सेल की क्लीन कर दी जाती है। तो ये वाला मैकेनिज्म भी हमने आपको रॉबिन्स की हेल्प से समझा दिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जांपल ऑफ टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी। तो इसमें जो हमने ये चार्ट दिया है ये बेसिकली रॉबिन्स बुक से लिया गया है। इसमें यहाँ आपको ये डिसीजेस बताई है कि कौन सी डिसीज टाइप पर टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में इंक्लूड की जाती है, उन डिसीज में करस्पॉन्डिंग एंटीजन क्या होता है, CD4 और CD8 दोनों में से कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, टी हेल्पर वाला या टी किलर वाला, वो यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगी उस पर्टिकुलर डिसीज में वो डिस्कस किया गया है। तो हम डिसीज देख लेते हैं टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी में कौन कौन सी कंसीडर होती है। तो एक एग्जांपल आपको बता देते हैं, बाकी आप खुद रीड करिएगा। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इसमें जो एंटीजन होगा वो कोलेजन होगा एंड इसमें जो मैकेनिज्म फॉलो होगा वो टी हेल्पर सेल यानी CD4 वाला होगा और इसमें जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिलेंगी दैट इज क्रोनिक अर्थराइटिस। बाकी आप रीड कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।